तो सब्सक्राइब करो, ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। मैं हूं आपका दोस्त सरोज शर्मा अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। यहां पे गाइस मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल सीजन 13 के लीक्स के बारे में। यस गाइस, मतलब यार रिमोट्स वगैरह लीक मिली है और भी काफ़ी सारी गन की स्किन लीक मिली है और भी बहुत सारी लीक्स आने वाली है। बहुत सारी लीक्स है यार, बहुत कुछ आ रहा है सीजन 13 में, मतलब बहुत धमाल मचने वाला है। मेरे पास बहुत सारी लीक्स है, मैं सब में बनाने तो बैठूंगा तो यार बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसके लिए मैं अलग अलग करके वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो यार आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसे ही मैं और भी वीडियो अपलोड करूँ सीजन 13 वाली तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली रात में 10 बजे के बाद मैं पबजी मोबाइल भी स्ट्रीम करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो रात में देख रहे हो 10 बजे के बाद, तो एक बार मेरा चैनल ओपन करो, अंदर आके देखो, मैं लाइव मिलूंगा तो लाइव चैट में हाय बोल देना। ओके, सो फिलहाल गाइस यार वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट इनटू दिस। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे अभी शॉर्ट टू क्रिएटिव पवन लाइव, जिसके वजह से ये सारी वीडियोस मतलब हम लोग को लीक्स पॉसिबल हुई है, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोग देते हैं, यहाँ पे EMP-UMP-45, ओके इसका नाम है EMP और गन का नाम UMP-45, आप लोगों को पता ही होगा। ये एक हम लोग को यार नई स्किन देखने को मिलने वाली है UMP-45 की, जो कि यार अभी तुम लोग को स्क्रीन पर दिख तो नहीं रहा होगा कि UMP-45 की स्किन है, सिर्फ गन दिख रही होगी, बट एक नई स्किन आने वाली है। मैं आपको यहाँ पे किल मैसेज शो कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखते हैं जो किल मैसेज आ रहा है ना, इस तरीके के किल मैसेज रहने वाला है इसका, और जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। और ये है हमारा नया बाइजन का स्किन आने वाला है, ब्लेजिंग चैमेलियन बाइजन, ठीक है। तो ये आने वाला है, ये भी मैं आप लोग देख सकते हो, किल मैसेज मुझे लीक मिला है। जैसे जो जो मिलता जाएगा मैं आपको अपलोड करके देता जाऊंगा। ओके, फिर ये है बैकपैक, मास्टर ऑफ लैंड बैकपैक इसका नाम है। ये है लेवल 1 का बैकपैक और ये है लेवल 3 का बैकपैक, लेवल 2 का भी आप लोगों ने अभी देखा होगा। तो ये बहुत कमाल का बैकपैक बनाया है यहाँ पे लोगों ने। फिर नेक्स्ट बात करी जाए तो मैं अभी आप लोगों को यार और चीज़ें शो करूँ, तो यहाँ पे भाई दिखाने को बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें, बट वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इसके लिए मैं इसको कंप्रेस करके बना रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ पे देख सकते हो S12 के की, यहाँ पे देख सकते हो कुछ किल मैसेज इस तरीके का आएगा, नया अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है S12 का। अभी उतना यूज़ करते नहीं है बट यार अगर हॉट ड्रॉप करे और कुछ मिलता नहीं है, ज़्यादातर मुझे शॉटगन मिलती है, तो यार शॉटगन ऑब्वियसली बहुत खतरनाक चीज़ होती है, क्लोज रेंज में फोड़ के रख डालती है। और कुछ इस तरीके का लूट बॉक्स रहने वाला, जब आप किसी को मार देते हो तो इस तरीके का लूट बॉक्स बनेगा, बहुत खतरनाक लूट बॉक्स बनाया है। किल मैसेज भी बहुत अच्छा आ रहा है, लूट बॉक्स भी बहुत बहुत ऑसम बनाया है यहाँ पे। ओके, फिर गाइज नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग को कार 98 की नई एक स्किन देखने को मिलने वाली है। यस गाइज, कार 98, तो आप लोगों को यहाँ पे स्किन दिख नहीं रही बट मैं इमेज दिखा देता हूँ, इस तरीके का रहने वाला है कार 98 की स्किन, जो कि बहुत खतरनाक बना रहा है यार, स्किन तो बहुत ऑसम है। किल मैसेज आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके का किल मैसेज आएगा, जब आप किसी को मारोगे तो इस तरीके का किल मैसेज आने वाला है वहाँ पे, जो कि बहुत ऑसम है यार। ओके, फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करी जाए, यहाँ पे फायर आर्म ऑर्नामेंट है, जो कि यार ऑर्नामेंट लगता है आपको पता होगा बैकपैक में। फिर है लूट बॉक्स, जब आप किसी को मार दोगे कुछ तरीके का लूट बॉक्स बनेगा, जो कि यार ग्रीन टाइप में ड्रैगन बना हुआ है, उस पर बहुत हार्ड बनाया है। और फिर नेक्स्ट बात करिए, यहाँ पे AKM की स्किन आप लोग देख सकते हो, ये काइंड ऑफ यार बैरल से मिलती जुलती है, बैरल का अलग कलर है बनाया था बट ये अलग कलर है बनाया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो कार 98 का ये है हमारा AKM का स्किन, देख सकते हो यहाँ पे, मतलब स्किन नहीं है बट किल मैसेज आप लोग देख लो, इस तरीके का किल मैसेज आने वाला है। इसका भी किल मैसेज बहुत अच्छा बनाया है लोगों ने, अपग्रेडेबल स्किन है ये, जो कि हम लोग को यार सीजन 13 में ही देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत सही बनाया है। फिर फायर आर्म ऑर्नामेंट है नहीं इसमें। अभी लूट बॉक्स की बात करी जाए तो लूट बॉक्स में आप लोगों को शो कर देता हूं, यहां पे लूट बॉक्स जिस तरीके का रहने वाला है, जिस पे कांटे उटे बने, यार आप लोग मारो लूट करने आओ तो आपको कांटे चुभेंगे। ओके, तो इस तरीके का रहने वाला है यहां पे ये AKM का नया स्किन। तो गाइस नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग को सीजन 13 के क्रेट की बात करी जाए, जो रॉयल पास का क्रेट होता है, कैप्टन हॉक क्रेट नाम से आने वाला है ये वाला क्रेट। आप लोग देखते हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, और एक चीज़ स्कारल की स्किन आप लोगों को दिखी रही होगी यहाँ पे, स्कारल की एक स्किन देखने को मिलने वाली है। तो अगर मैं आपको इसकी स्किन के बारे में और दिखाऊँ तो यार मैं इधर सेटिंग में आपको जाकर दिखा देता हूँ, ये हमारा स्कारल की स्किन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सीजन 13 का लोगो बना हुआ है, मतलब ये ऑफिशियल सीजन 13 की स्किन है। यस गाइस, मतलब सीजन 13 में आने वाला है, और ये है केयर फ्री पफ बॉल स्कारल। ओके, ये हम लोग को देखने को मिलेगी जल्दी सीजन 13 में, जो कि बहुत ऑसम लग रही पिंक कलर में, तो शायद लड़कियों को पसंद आएगी ये वाली स्किन खास करके। ओके, सो बहुत सही है यार। ओके, फिर नेक्स्ट गाइस बात करी जाए तो
सो गाइस नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इमोट्स। ओके तो पहला है फॉक्स ट्रॉट, तेरे मस्त मस्त दो नैन वाला इमोट है ये, बहुत औसम रहने वाला है ये वाला इमोट। और मैं बता रहा हूँ यार, एक सेक भाई जो टिकटॉक पे बनाते हैं पबजी वाले, बहुत टिकटॉक बनने वाले हैं इस वाले इस पे। फिर यहाँ पे नेबुला हीरो करके आप लोग देख सकते हो, ये काइंड ऑफ मुझे यार नेबुला एवेंजर्स की याद दिलाता है और उस तरीके का रहने वाला है ये काइंड ऑफ। फिर ये है डायनेमिक वेव डांस, ये वाला तो यार ब्लू आइज के अनी सिंह का याद दिला देता है, मतलब यार भाई यार मतलब पूरा फिल्मी टाइप कर दिया है पबजी ने यहाँ पे इमोट्स वगैरह को। आप लोग देख सकते हो यार, मतलब काइंड ऑफ वैसे ही ब्लू आइज में जैसे हनी सिंह ने डांस करा है वैसे ही बनाया है इसको। ओके तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अभी गाइज नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ पे अगर मैं आपको सीजन 13 के टायर रिवॉर्ड्स के बारे में बताऊं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार सीजन 13 के टायर रिवॉर्ड्स में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे एस टायर का पैराशूट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सीजन 13 के एस टायर का पैराशूट, जो कि यार ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि गाइज ये है हमारा फाइनल सीजन 13 का पैराशूट। यार आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को यार सीजन 12 का एस टायर का पैराशूट मिला कि नहीं मिला, आप लोग एस कर गए कि नहीं कर गए। वैसे भी यार क्वारंटाइन डेज है यार, सब घर पे बैठे हैं तो मैक्स नंबर ऑफ लोग एस कर गए हैं मेरे हिसाब से, बट फिर भी नीचे कमेंट करके बता देना कि आप लोग एस कर गए करे कि नहीं करे। ओके फिर गाइज नेक्स्ट बात करी जाए तो आप लोग देखते हो यहाँ पे हमारा ये है सीजन 13 का कॉन्करर फ्रेम, मेरे भाई जो पीरो प्लेयर लोग होते हैं उनको ये ज़्यादातर मिलता है। ओके फिर नेक्स्ट बात करी जाए तो ये हम लोग को देखने को मिलने वाला, आप लोग देख सकते हो जैसे इस बार हम लोग को एक हेड गियर मिला था ना, इस तरीके का हेलमेट टाइप मिला था, प्लेटिनियम पे शायद मिलता है, हाँ प्लेटिनियम या डायमंड पे कहाँ पे मिलता है मैं भूल भी गया यार लुल। तो यहाँ पे जहाँ पे मिलता है ये, तो उसी तरीके से ये भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है सीजन 13 में हेड गियर, जो कि यार काइंड ऑफ प्लेटिनियम या डायमंड कह सकते हो, डायमंड में पूरा सेट, मैं कहाँ मैं भूल गया हूँ यार भाई, हद है यार। ओके तो ये हम लोग को टायर रिवॉर्ड में मिलने वाला है, बस नीचे कमेंट करके बता देना मैं भूल रहा हूँ, तो नीचे कमेंट करके याद दिला दो कि कहाँ मिलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को बता दी। अभी नेक्स्ट गाइज बात करी जाए तो गाइज नेक्स्ट वाइज बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा लास्ट का जो आरपी रहता है ना, वो उसका लीक मिल चुका है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक आपको वेक्टर की स्किन दिख रही होगी और 100 आरपी आउटफिट भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये कंप्लीट सारी चीज़ आने वाली है। ये हमारा वेक्टर का स्किन जो कि यार 90 आरपी पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा तकरीबन, ये वाला वेक्टर के स्किन जो कि यार खतरनाक दिख रहा है, थोड़ा मतलब यार खिलौनों टाइप दिख रहा है, क्योंकि यार जो हमारा सीजन 13 है वो खिलौनों पर ही बेस्ड है। ओके टॉयज पर बेस्ड है। फिर अभी नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे आपको 100 आरपी का आउटफिट देखने को मिल रहा होगा, तो हम लोग जो ये यहाँ पे ये हमारा 100 आरपी का कंप्लीट आउटफिट जो कि आप लोग तो बहुत खतरनाक है, पावर रेंजर्स ही मुझे याद दिलाता है ये वाला आउटफिट। तो हम लोग को सिर्फ एक सिंगल आउटफिट देखने को नहीं मिलने वाला है, दो आउटफिट देखने को मिलने वाले हैं सीजन 13 में, दो में देखो एक हम लोग चूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, दो में देखो एक चूज कर सकते हैं और दो के दोनों मुझे पावर रेंजर्स की याद दिलाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पावर रेंजर्स देखते हैं तो कमेंट करके बताओ यार। ओके फिर अभी नेक्स्ट गाइस बात करी है तो हम लोग यार जो दूसरा वाला आउटफिट है आप लोग वाला आउटफिट देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा सेकंड वाला आउटफिट जो कि यार 100 आरपी पे चूज करने को मिलेगा दोनों में से कोई एक आउटफिट। ओके फिर नेक्स्ट गाइस बात करी जाए ये एक नई स्किन देखने को मिलने वाली है, गन की स्किन जो कि यार पिस्टल की स्किन है, आप लोग देख सकते हो P92 की स्किन है डेफिनेटली, तो ये हम लोग को नया देखने को मिलने वाला है हमारे सीजन 13 में। ओके फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ कार्ड वगैरह है जो कि यार SSR लावा सुपरमैन नाम है 100 आरपी आउटफिट में जो मिलेगा ना, उसका नाम लावा सुपरमैन है, और फिर दूसरे वाले का नाम यहाँ पे मतलब यार आप लोग देख सकते हो कुछ तरीके का है रहने वाला, ये कंप्लीट सीन ये लोग ने यहाँ पे लेके आ गए है। ओके फिर अभी नेक्स्ट गाइज फाइनल बात करी जाए तो एक और आउटफिट रहने वाला है, यस गाइज ये शायद हम लोग को आरपी में देखने को मिल सकता है, ये आउटफिट रहने वाला है ऑफिशियली, आप लोग देख सकते हो ये भी हम लोग को कंफर्म नहीं है बट शायद ये आरपी में आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला आउटफिट के भी आने के चांसेस है, तो लेट्स सी यार जब भी ये मतलब हम लोग कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप लोग को भी कंफर्म अपडेट दे दूंगा कि हाँ भाई ये फाइनली हम लोग को मिलने वाला है। ओके तो यहाँ पे मैंने सारी लीक्स के बारे में बता दिया, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मैं और लंबी नहीं करना चाह रहा, तकरीबन 8-9 मिनट के ऊपर की बन गई है यार, इसके लिए मैं बस यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, अगर आप लोगों को कोरोना वायरस के लिए डोनेट करना है तो मैं एक लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ से डोनेट कर सकते हो यार, थोड़ा हेल्प कर दो क्योंकि यार आप लोग जानते हो काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहली लिंक मिल जाएगी जो कि यार डोनेशन के लिए है, तो प्लीज़ अगर आप लोग कर सकते हो तो अपने तरफ से जो भी पॉसिबल है आप लोग जाके नीचे डोनेट कर सकते हो, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग डोनेट करते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि हाँ भाई मैंने डोनेट किया है। ओके गाइस सो दी कंप्लीट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।